हेलो स्टूडेंट, फॉर इंटरमीडिएट क्लास ये टेररिज्म का जो निबंध पढ़ा रहे हम, उसका आधा हिस्सा पढ़ाया था और आधा हिस्सा मैं अब पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए आप लोग, टेररिज्म इस पैराग्राफ को पूरा दोबारा कर रहा हूँ जो आधा पढ़ाया था। यानी ये है आपका बैड इफेक्ट, टेररिज्म इज ग्रोइंग डे बाई डे, आतंकवाद दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पर्सन हैव मेड देयर ट्रेजिक एंड, हजारों लोग दुखद अंत को प्राप्त होते हैं, हजारों निर्दोष लोग दुखद अंत को प्राप्त होते हैं। इन द पंजाब ड्यू टू इट, हो चुके हैं इसके कारण पंजाब में हजारों निर्दोष लोगों का दुखद अंत हो चुका है। इन मैनी अदर प्लेसेस आल्सो बिसाइड्स द पंजाब के अतिरिक्त और भी दूसरे स्थानों में द टेररिस्ट हैव मेड लाइफ ए हेल फॉर पीपल, लोगों के लिए ये जीवन को नरक बना दिया है आतंकवादियों ने। द टेररिस्ट कॉज्ड सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट इन तमिलनाडु एंड केरला, अरे इस आतंकवाद के कारण ही आतंकवादियों के कारण ही तमिलनाडु और केरला में गंभीर सड़क दुर्घटनाएं हुई थी। कम्युनल टेररिज्म हैज अपीयर्ड अगेन इन द न्यू शेप, अरे सामुदायिक आतंकवाद एक नया रूप ले चुका है। दस द टेररिस्ट थ्रो बॉम्ब्स ऑन पीसफुल रिलीजियस प्रोसेशन इन ऑर्डर टू क्रिएट टेरर एंड अपसेट द नॉर्मल लाइफ, इस प्रकार आतंकवादी बम फेंकते हैं शांतिपूर्ण क्षेत्रों में जुलूस पर भय और सामान्य जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए। सच एक्ट्स आर हार्मफुल टू द सोसाइटी, ऐसे कार्य समाज के लिए नुकसानदायक हैं। पीपल आर सो टेरिफाइड दैट दे हेसिटेट इन गोइंग आउट ऑफ देयर होम्स, लोग इतने भयभीत हो जाते हैं कि वे अपने घरों से बाहर जाने में हिचकने लगते हैं। दे फियर टू असेंबल इन द मैरिज पार्टीज, शादी समारोह में भी वो इकट्ठा होने में डरते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बम फेंक दे, आतंकवादी हमला कर दें। मैन हैज लॉस्ट फेथ इन मैन, मनुष्य ने मनुष्य पर विश्वास खो दिया है। यानी आतंकवाद किसी को नहीं छोड़ता, इसलिए मनुष्य का मनुष्य पर से विश्वास ही उठ गया है। वी आर अफ्रेड ऑफ ट्रैवलिंग इन एरोप्लेन्स ड्यू टू दीज टेररिस्ट्स, इन आतंकवादियों के कारण लोग हवाई यात्रा से भी डरते हैं, हवाई यात्रा करने से भी डरते हैं। अमेरिका में जो हवाई हमले हुए थे उसका उदाहरण सबके पास है। इफ वी वांट टू लिव इन पीस, यदि हम शांति से रहना चाहते हैं, ये कंक्लूजन है आपका, यदि हम शांति से रहना चाहते हैं, वी शुड फेस टेररिज्म बोल्डली, तो हमें साहस के साथ आतंकवाद का सामना करना चाहिए, आतंकवाद का सामना करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड टेक वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन, सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए अगेंस्ट दीज पीपल, ऐसे लोगों के खिलाफ जो आतंकवाद में लिप्त हैं, इन लोगों के खिलाफ सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। एज दे आर द ग्रेटेस्ट नॉइसेंस टू द ह्यूमन सोसाइटी, क्योंकि मानव समाज के लिए
ऐसे लोग सबसे बड़ा खतरा हैं, सबसे ग्रेट नाइशंस, सबसे बड़ा खतरा। दुखद घटनाएं या खतरा, ऐसे लोग समाज के लिए सबसे बड़ा दुखद घटनाएं हैं। पीस एंड प्रॉस्पर्टी कैन प्रिवेल, शांति और समृद्धि आ सकती है, प्रिवेल माने प्राप्त होना, तभी प्राप्त हो सकती है, इफ़ टेररिज्म इज एंडेड, यदि आतंकवाद का समाप्त कर दिया जाए, खात्मा कर दिया जाए, यानी जब तक आतंकवाद का की समाप्ति नहीं होगी, शांति और समृद्धि नहीं आ सकती। टू मेक द वर्ल्ड फ्री फ्रॉम टेररिज्म, आतंकवाद से मुक्त करने के लिए संसार को, टू मेक द वर्ल्ड फ्री फ्रॉम टेररिज्म, संसार को आतंकवाद मुक्त बनाने के लिए, एंड मेक इट ए हैप्पियर पीस प्लेस, और खुशहाल स्थान बनाने के लिए, टू लिव इन, वी हैव टू राइज अबव ऑल नैरो लॉयल्टीज, हमें सभी संकीर्ण देशभक्ति से ऊपर उठना होगा। कहने का मतलब ये था कि संकीर्ण देशभक्ति का मतलब कि केवल अपने ही वस्तु को मानना, अपने ही देश की सम्मान करना, दूसरे के देशों का सम्मान करना करना, अपनी ही जाति का सम्मान करना, दूसरी जाति का सम्मान न करना, ये है संकीर्ण देशभक्ति, जिसे कहते हैं नैरो लॉयलिटीज। तो यदि हमें अपने देश को आतंक से मुक्त करना है, संसार को रहने लायक आनंददायक स्थान बनाना है, तो हमें इन संकीर्ण देशभक्ति पूर्ण विचारधाराओं से ऊपर उठना चाहिए। नॉट ओनली इन टेररिज्म अफेक्टेड एरिया, न केवल आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में, बट इन अदर पार्ट्स आल्सो, बल्कि दूसरे हिस्सों में भी, रूटीन एंड हायर एक्टिविटीज ऑफ मैनकाइंड गेट डिस्ट्रप्टेड। उच्च मानवता की कार्यविधियों में डिस्ट्रप्टिव माने परेशानी होती है, गतिविधियों में खलल पड़ता है। फिर से देखिए, ना के नॉट ओनली इन टेररिज्म अफेक्टेड एरिया, ना केवल आतंकवादी क्षेत्रों में, बल्कि इन अदर पार्ट्स आल्सो, बल्कि दूसरे हिस्सों में भी मानवता के महान कार्यों में और दैनिक कार्यों में बहुत खलल पैदा होता है, यानी परेशानी पैदा होती है। केवल आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में इन परेशानी नहीं होती है, बल्कि सभी क्षेत्रों में भी परेशानी होती है। एवरी ईयर लॉट ऑफ मनी, प्रतिवर्ष बहुत धन, एनर्जी, शक्ति, ऊर्जा एंड टाइम एज स्पेंट, खर्च किया जाता है ऑन इट, इस पर, यानी प्रतिवर्ष आतंकवाद पर धन, समय और ऊर्जा खर्च की जाती है। सो द गवर्नमेंट ऑफ सच कंट्री शुड टेक सम डिसिसिव एक्शन टू रूट आउट द प्रॉब्लम। इसलिए
सरकार को, ऐसे देशों की सरकार को जहाँ ये, अब ऐसे देशों की सरकार को जहाँ आतंकवाद प्रभावित है, लेकिन अभी कह रहे थे ना केवल आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में बल्कि दूसरे देशों में भी, अर्थात सभी देशों की बात, सभी देशों की सरकार को शुड टेक सम डिसाइसिव एक्शन, एक निश्चित कदम उठाना चाहिए टू रूट आउट द प्रॉब्लम, इस समस्या को जड़ से ख़त्म करने के लिए ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद की ऑन परमानेंट बेसिस, स्थायी रूप से, स्थायी रूप से इस समस्या को समाप्त करने के लिए सरकार, देश की सरकारों को जहां आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र हैं उन देशों की सरकारों को एक निश्चित कदम उठाना चाहिए। ये आपका, हमने टेररिज्म का ऐसे पढ़ा दिया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार मैं पुनः इसका सारांश बता देता हूँ कि टेररिज्म इज द यूज ऑफ वायलेंस बाई अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू गेट द डिमांड्स फुलफिल, आतंकवादियों के द्वारा अपनी मांगों को पूरा करने के लिए हिंसात्मक तरीका प्रयोग करना आतंकवाद कहलाता है। ये आतंकवाद है। और आजकल हम एवरी मॉर्निंग वी रीड इन द न्यूज़पेपर अबाउट द क्रूअल एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, और रोज़ाना समाचार पत्रों में हम इस आतंकवाद की दुखद घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। ये टेररिज्म इज एन आउटकम ऑफ सम पीपल सेल्फिश मोटिव्स, और ये आतंकवाद आता कहाँ से है? आतंकवाद, जैसे कि ऊपर ही बताया गया था कि आतंकवाद कुछ लोगों की स्वार्थपूर्ण अपनी कार्यों की पूर्ति के लिए हिंसा का तरीका अपनाना आतंकवाद कहलाता है। तो यही यहाँ पर लिख दिया कि आतंकवाद स्वार्थी लोगों की अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के, ये आतंक कारण आतंकवाद पनपता है। यानी आतंकवाद जो है वो स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ लोगों के कारण ये आतंकवाद पनपता है। और भी तमाम कारण हैं लेकिन मुख्य था ये। इसके बाद ये बैड इफेक्ट्स के हैं कि टेररिज्म इज ग्रोइंग डे बाई डे, ये दिन पर दिन आतंकवाद बढ़ रहा है। थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पर्सन्स आर किल्ड ड्यू टू दिस टेररिज्म, आतंकवाद के कारण हजारों निर्दोष लोग मारे जाते हैं। इसमें आप किसी की भी एक घटना का वर्णन दे सकते हो। लास्ट बिफोर सम ईयर्स, सम ईयर्स एगो देयर वाज एन ट्रेन एक्सीडेंट नियर अवर टाउन्स इन पोखरायन, एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स, हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड इन दिस ट्रेन एक्सीडेंट। इट वाज आल्सो द बिग एग्जाम्पल ऑफ टेररिस्ट, यही भी आतंकवादियों का ही एक बड़ा उदाहरण था, आतंकवादी घटनाओं का। और इसके बाद फिर हमने कंक्लूजन में ये पढ़ा कि अगर हमको, इफ़ वी वांट टू लिव इन पीस वी शुड फेस टेररिज्म बोल्डली, तो हमें इस आतंकवाद का साहस के साथ सामना करना पड़ेगा। साहस के साथ सामना हम कैसे करेंगे? अगर हम अपने देश से स्नेह करते हैं तो कोई भी ऐसी गलत गर्दनियों को नहीं करेंगे और ना ही करने देंगे किसी को। अगर किसी को कुछ इसके बारे में पता चलता है तो तुरंत सरकार को इन्फॉर्म करें। ऐसे व्यक्तियों से सख्ती से पालन करें जो समाज के लिए गलत काम करते हैं, जैसे लॉटरी खेलना, जुआ खेलना, या
शराब पीना, यही छोटे छोटे कार्यबल करके ये बड़े आतंकवादी बन जाते हैं और फिर बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये टेररिज्म का आपका ये निबंध पूरा हो गया, इसको लिखिए पढ़िए। थैंक यू। जय हिंद।